बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकी नासिर वानी के जनाजे में 10 आतंकियों के शामिल होने का एक वीडियो सामने आया है। लश्कर आतंकी नासिर वानी कल अनंतनाग में हुए मुठभेड़ में जुनैद मट्टू और आदिल मुश्ताक के साथ मारा गया था। उसका जनाजा दक्षिण कश्मीर के शोपिया में निकाला गया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इस दौरान आतंकी वहां पहुंचे और हवा में फायरिंग करने लगे। कुछ आतंकियों के चेहरे भी वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। भीड़ के बीच में आतंकी AK-47 लहराते हुए साफ नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी नासिर वानी का जनाजा निकला, वहां पर आतंकियों के शामिल होने का वीडियो सामने आया है। आपको मालूम है लश्कर आतंकी नासिर वानी कल अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में जुनैद मट्टू और आदिल मुश्ताक के साथ मारा गया था। उसका जनाजा दक्षिण कश्मीर के शोपिया में निकाला गया। वहां जो वीडियो सामने आया उसमें आप देख सकते हैं कि इस दौरान आतंकी उसमें पहुंचे और हवा में फायरिंग करने लगे। कुछ आतंकियों के चेहरे भी वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं और भीड़ के बीच ही ये आतंकी AK-47 लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें जनाजे में किस तरह से आतंकियों ने हवा में फायरिंग की और इस वीडियो में आतंकियों के चेहरे भी साफ देखे जा सकते हैं। आतंकी नासिर वानी का यह जनाजा निकल रहा था जहां पर हवा में फायरिंग करते हुए ये आतंकी नजर आए और इनके चेहरे भी इस वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं। मंजूर मीर हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। मंजूर, हम इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से खुलेआम ये यहाँ फायरिंग कर रहे हैं आतंकी और इनके चेहरे भी हम साफ देख सकते हैं। बिल्कुल पंकज, कल एक एनकाउंटर में लश्करी तैयबा के 3 मिलिटेंट्स मारे गए थे जिनमें एक टॉप कमांडर जुनैद मट्टू भी शामिल था। आज जैसे ही उनके जनाजा उनके इलाके में हुआ तो करीबन 10 मिलिटेंट जो हथियारों से लैस थे वो लश्करी तैयबा के इन मिलिटेंट्स के जनाजे में शामिल हुए और बंदूक लहराते हुए लोगों की काफी भीड़ थी, उसी भीड़ का फायदा उठाकर ये यहाँ तक पहुंचने में। मंजूर, ये कैसे आए, कहाँ से आए, कुछ इस बारे में पता चल पाया? देखिए, ये बिल्कुल इसी इलाके से, ज्यादातर इन्हीं इलाकों में ऑपरेट करते हैं अपनी गतिविधियों को, तो इसी इलाके में ये पहले से ही मौजूद थे। कल जब एनकाउंटर हुआ था तो उसके बाद लोगों की काफी भीड़ इस इलाके में जमा थी, हजारों की संख्या में, और इसी भीड़ का फायदा उठाकर ये लोग जो है इस जनाजे तक पहुंचने में कामयाब हुए। उसके बाद उन्होंने अपने साथियों को जो कल मारे गए उनको गन सलूट किया और उसके बाद जो है वहां से ये आसानी से फरार होने में भी कामयाब हो गए। बिल्कुल, तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं इन आतंकियों की तस्वीरें नजर आ रही है। AK-47 भी इन्होंने लहराई, वहां पर हवा में फायरिंग करते हुए भी ये आतंकी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए मंजूर मीर आपका।